हमारे सैनिक गेम्स। दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एम्बुश मार्केटिंग। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि पहले हम क्या करते थे, मार्केटिंग में हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे कि हम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और ये क्लेम करें कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर है। बट अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, अब हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हम अपने कॉम्पिटिटर के मार्केट को कैप्चर कर ले, उसके मार्केट शेयर को अपना बना ले। एम्बुश मार्केटिंग एक तरह से किसी को धोखा देना होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर की पीठ में खंजर घोप रहे हैं और उसको धोखा दे रहे हैं और उसकी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट ने एक एड बनाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि खरीदा नहीं अच्छा किया, मतलब अगर आप उनके यहाँ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं जस्ट विजिट करके आ जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो उन्होंने टैगलाइन बना दी कि खरीदा नहीं अच्छा किया। उसके बाद स्नैपडील ने उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ठीक उसी टैगलाइन को उठाते हुए अपनी टैगलाइन बना दी कि अच्छा किया बता दिया यहां से खरीदे स्नैपडील। इस तरीके से कि वो फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को बोल रहे कि अच्छा किया वहां से नहीं खरीदा आइए हमसे परचेज कीजिए, तो ऐसे उन्होंने इनडायरेक्टली फ्लिपकार्ट की मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश की। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अमूल को जब अपने बटर बिस्किट्स मार्केट में लेकर आने थे तो वो थोड़ा सा टेंस्ड था क्योंकि उनके बटर मिल्क वगैरह तो बहुत अच्छा बिक रहा था बट बिस्किट्स की मार्केट को वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बिस्किट में उस टाइम ब्रिटानिया का बटर बिस्किट बहुत ज्यादा फेमस था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे हम अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करें। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटानिया के बिस्किट के पैकेट के ऊपर जो लिखा होता है कि इसमें 3% बटर है और 20% वेजिटेबल ऑयल, उन्होंने उसका अपना एड बनाते हुए ये शो कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट में 20% बटर है और वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल कम है। इससे क्या हुआ कि इनडायरेक्टली उन्होंने ब्रिटानिया की मार्केट के ऊपर एक अटैक किया, अब कस्टमर्स उनकी मार्केट को छोड़कर अमूल के बिस्किट्स की तरफ भागने लगे। तो ये क्या होता है कि अपनी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से बनाना कि इनडायरेक्टली आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को बेकार साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए मीनिंग क्या है, इट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच एन एडवर्टीजर एम्बिशियस एन इवेंट टू कम्पीट फॉर एक्सपोजर अगेंस्ट अदर एडवर्टाइजर्स। एम्बिशियस का मतलब होता है किसी के खिलाफ घात लगाना, किसी के खिलाफ साजिश करना। तो एम्बिश मार्केटिंग क्या है कि ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा इवेंट बनाएं, कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाएं जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर को हरा सके। और क्या डेफिनेशन हो सकती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हाईजैकिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ सम अदर मार्केटर टू कम्पीट एंड गेट मोर एक्सपोजर टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दूसरे की एडवर्टाइजमेंट को हाईजैक कर लेते हो और उस पर अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना स्टार्ट कर देते हो जिससे कि आपके प्रोडक्ट की और सर्विस की मार्केटिंग इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक अब आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया है, तो चलिए अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप में से कुछ व्यूअर्स वीडियोस के नीचे कमेंट करके नोट्स की डिमांड करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पीडीएफ नोट्स या इस तरह के नोट अभी तो प्रोवाइड नहीं करती, मैंने ऐसा कुछ अभी स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आपको टॉपिक्स और पॉइंट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं कोई प्रॉपर नोट नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाती हूँ और उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ और जो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप इतना भी एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स क्या है एम्बुश मार्केटिंग के, फर्स्ट इज क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, मतलब एम्बुश मार्केटिंग कोई हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको किसी और कॉम्पिटिटर की एड को हाईजैक करना है और इसके बारे में से पता भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर पता लगता है तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक क्रिएटिव चीज है, बहुत इंटेलिजेंटली इसको किया जाता है, बहुत ही मतलब अपने उसके कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है।
देन सेकेंड इज बोथ लीगल एंड इलीगल। ये लीगल तभी तक है जब तक कि कॉम्पिटिटर को पता ना चल जाए कि आप उसकी एड को हाईजैक करके अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे पता चल जाए तो ये इलीगल हो जाता है, वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। थर्ड, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अनएक्सपेक्टेड आउटकम मतलब कि उसका जो नतीजा है, जो आपने एम्बुश मार्केटिंग की है, उसका नतीजा जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। मींस आपने तो सोचा था कि हम उसकी एड हाईजैक करेंगे और हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर बढ़े ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि आपने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। तो रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज कैन यूज एक्चुअल नेम्स, लोगो, स्लोगन ऑफ इवेंट। आप एम्बुश मार्केटिंग करने के लिए असली प्रोडक्ट, मतलब जिसको आप हराना चाह रहे हैं, उसके प्रोडक्ट या लोगो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन उसको हर्ट नहीं करना है, वो इस तरीके से यूज करना है कि उसे पता भी ना चले और आप उसकी एड को हाईजैक कर ले। देन फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल फॉर न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए एम्बुश मार्केटिंग बहुत अच्छा और हथियार है आपके पास, क्योंकि आप ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसकी मार्केट को कैप्चर कर सकते हो एम्बुश मार्केटिंग के जरिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो उस वीडियो का भी वेट करिएगा, बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।